बीते काफी समय से बिहार से दूर रह रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। बिहार की राजनीति में अब वह सोशल मीडिया के माध्यम से ही सक्रियता दिखा रहे हैं। दरअसल कल फेसबुक लाइव आकर उन्होंने तमाम बातों को रखा था, सरकार को घेरा था, साथ ही साथ अपने नेताओं से अपील भी की थी कि बिहार में जो महामारी है, इस महामारी में अपने क्षेत्र में जाएं, वहां के लोगों की मदद करें। सरकार की नाकामियों को गिना रहे थे, तमाम राजनीतिक मामलों पर खुलकर उन्होंने बोला था। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने एक खत लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम। वो खत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह खत जो है वह 17/5 को लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार पटना, आशा है आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। आपको एक और पत्र इस आशा और विश्वास के साथ लिख रहा हूं कि इस पत्र का तो मानवीय हित में आप अवश्य ही जवाब देंगे, अन्यथा लगभग विगत 4 वर्षों में आपने मेरे किसी पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया। कई बार मैं अचंभित भी होता हूं कि पूजनीय गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलने का दंभ भरने वाले मुख्यमंत्री इतना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं कि वो नेता विरोधी दल के पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझते। यह लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय प्रणाली के कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप अवगत हैं, राज्य में वैश्विक महामारी COVID-19 के साथ साथ उच्च स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था, उदासीनता, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, आवश्यक दवाओं एवं ऑक्सीजन आदि की कालाबाजारी तथा सरकार की असंवेदनशीलता भी चरम पर है। अब यह महामारी शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी भयावह रूप में से फैल चुकी है। वर्तमान में बिहार की स्वास्थ्य संरचना और सेवाओं की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपा नहीं है। विदित हो कि लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा में आपने ही कहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था, कोविड मैनेजमेंट पर्यवेक्षण में विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधि भी अपना योगदान दे सकते हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा आहूत सर्वदलीय बैठक में हमने 30 महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे, जिसमें एक सुझाव में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर एपिडेमियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था, लेकिन दुर्भाग्यवश आपकी सरकार ने इसका गठन नहीं किया। शायद इससे वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक हो जाते तथा संस्थागत भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाता। उन्होंने आगे लिखा, जब कोई बड़ा संकट आता है तो पीड़ितों द्वारा अपना तारनहार खोजना स्वाभाविक है। आपके दल के ही लोग प्रतिदिन आधिकारिक बयान जारी कर कहते हैं कि मुख्यमंत्री की बजाय नेता प्रतिपक्ष को स्वयं फ्रंट पर रहकर कोरोना जाँच, जीवन रक्षक दवाओं, बेड, ऑक्सीजन तथा अस्पताल सुनिश्चित वह सुव्यवस्थित कराने के साथ साथ कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई की अगुवाई करनी चाहिए। जब नेतृत्व किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखे तो अनुयायियों द्वारा नया नेतृत्व खोजा जाने लगना भी अपेक्षित है। बिहार के सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को खोजने की कवायद को जनता भी इसी दृष्टि से देख रही है। महोदय, हम जिम्मेदार विपक्ष हैं तथा मैं स्वयं भी एक संवैधानिक पद पर हूँ। ऐसे में मुझे राज्य के लोगों की समस्या को जानने तथा उसके समाधान हेतु सरकार द्वारा ली जाने वाली कदमों को जानने तथा जनहित में इनकी कमियों को भी सरकार के सामने लाने का अधिकार है। लेकिन विगत वर्षों में देखा गया है कि अनेकों बार जब जब जनहित के मुद्दों को लेकर मैं सड़क पर निकला हूँ, तब तब मुझ पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि मेरे संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने का एक नाजीवादी विचार व प्रयास है। यह प्रजातंत्र का गला घोटने तथा आपके हिटलरशाही रवैये का परिचायक है। महोदय, हम कोविड जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग की लचर, अव्यवस्था एवं असंवेदनशीलता से जूझती जनता के लिए हम एवं हमारे सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड इत्यादि मुहैया करा रहे हैं। मैं इन सारे कार्यों का स्वयं पर्यवेक्षण करना चाहता हूं। साथ ही आपसे अपील है कि सरकार सुनिश्चित करें कि इससे रोगियों व उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, भीड़ भाड़ न लगे, अफरा तफरी न मचे, प्रशासन व डॉक्टर अपना काम रोककर पीड़ितों को असुविधा न होने दे। अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य के सभी माननीय विधायकगण सहित मुझे भी राज्य के किसी अस्पताल, PHC, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों एवं उनके परिजनों से मिलने तथा राहत पहुंचाने, कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचन इत्यादि चलाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करना चाहेंगे। सादर
तेजस्वी प्रसाद यादव। तो यह लेटर जो लिखा गया, इस लेटर में सीधे तौर पर उन्होंने अनुमति मांगी है कि जब भी वह सड़क पर उतरे हैं तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम एक्ट जो है वह लगा दिया जाता है, तो ऐसे में आप मुझे अनुमति दे ताकि हम ही नहीं उनके जितने भी विधायक हैं वह सब मरीजों के लिए काम कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर सत्ता पक्ष से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।